वेलकम इंग्लिश लर्नर, ये है इजी एंड इफेक्टिव इंग्लिश, जहां आप इंग्लिश इजी एंड इफेक्टिव मेथड से लर्न करते हैं। आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो, यहां ऐसे इजी एंड इफेक्टिव वे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आप हर वीडियो के साथ साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में 5 इडियम्स लर्न करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं स्मार्ट लर्निंग। टुडेज 5 idioms जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो हैं एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, बॉल ऑफ फायर, कैच समवन्स आई, ड्रीम कम ट्रू एंड इजी ऑन द आई। बिफोर वी स्टार्ट, आपके लिए एक टिप है कि idioms की मीनिंग लर्न करने से पहले आईज क्लोज करिए एंड रिमाइंड करिए कि 5 idioms जो आपकी स्क्रीन पर है वो कौन कौन से हैं। अल्फाबेटिकल याद करिए, पहला idiom ए से है, देन बी, सी, डी एंड लास्ट ई से है। ये idioms लर्न करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यदि आपने ये 5 idioms जो आपके लेसन में है वो आप पहले याद करेंगे फिर वीडियो देखेंगे तो मीनिंग ऑटोमेटिक याद हो जाएगी हमेशा के लिए। ओके, सो वी स्टार्ट नाउ फ्रॉम नंबर 1। नंबर 1, एड फ्यूल टू द फायर और फ्लेम्स, एंड द मीनिंग इज टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स और मेक समवन फ्यूरियस। अर्थात एड फ्यूल टू द फायर की मीनिंग है किसी विवाद या झगड़े को और भी अधिक गंभीर या बुरा बना देना, या किसी व्यक्ति को अत्यधिक क्रोधित कर देना, अधिक गुस्सा दिला देना। हिंदी मुहावरा सुना होगा, आग में घी का काम करना, उसी प्रकार से यह idiom है। एड मीन्स बढ़ाना, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू द फायर अर्थात आग में। लुक एट दिस इमेज, आग में कोई ऊपर से पेट्रोल डाल रहा है, सो इससे आग और अधिक बढ़ेगी। उसी प्रकार कहीं झगड़ा हो रहा है, उसमें बीच बचाव के स्थान पर कोई और झगड़े को बढ़ाए, या कोई पहले से गुस्से में हो उसे कोई और गुस्सा दिलाए, तो इसे कहेंगे एड फ्यूल टू द फायर। Use in a sentence. Don't add fuel to the fire by laughing at someone who is already angry. Means, जो पहले से गुस्सा हो उसकी हंसी उड़ाकर उसे अधिक क्रोधित नहीं करो। Means, don't add fuel to the fire. Okay? So, add fuel to the fire or flames means to make an argument or bad situation worse. और मेक समवन फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है बहुत अधिक गुस्सा करना। ओके, नंबर 2, बॉल ऑफ फायर, आग की गेंद, मीनिंग समवन विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्किंग। अर्थात बॉल ऑफ फायर मीन्स जो कोई अत्यधिक एनर्जी पावर रखता हो या परिश्रमी मेहनती हो उसे बॉल ऑफ फायर यानी आग का गोला कहेंगे। लुक एट दिस इमेज, आग का गोला, ये आग का गोला कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। और यदि आप आग का गोला हैं, मीन्स परिश्रमी मेहनती हैं, तो आप परिश्रम और मेहनत से idioms को अवश्य याद कर लेंगे। यूज इन अ सेंटेंस देखिए, यू विल अचीव योर गोल बिकॉज यू आर बॉल ऑफ फायर। तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे क्योंकि तुम बॉल ऑफ फायर हो, आग का गोला हो, या कहें तो मेहनती परिश्रमी हो, बहुत एनर्जेटिक हो, सफलता को पाने की आग भड़की हुई है अंदर ही से आप में। सो
Ball of fire means someone with a lot of energy and hard working. Number 3, catch someone's eye means to get someone's attention. अर्थात कैच समवन्स आई मीन्स किसी की अटेंशन पाना या आकर्षित करना और नोटिस करना. लुक एट फर्स्ट इमेज. एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठा है एंड वेटर को बुला रहा है. सो पहले वेटर कहीं और बिजी रहा होगा और इस व्यक्ति ने वेटर को देखा होगा. फिर वेटर ने इस व्यक्ति को देखा होगा. फिर जैसे ही इस व्यक्ति ने वेटर की आंखों को कैच किया, मीन्स दोनों की नजरें मिली, इस व्यक्ति ने हाथ का इशारा किया और वेटर इसके पास आ गया. नाउ सेकेंड इमेज. एक आदमी शोरूम में कार देख रहा है. बहुत सी कार में ये रेड शाइनिंग करती हुई कार उसे अट्रैक्ट कर गई. मीन्स कार के रंग और लुक ने व्यक्ति को अट्रैक्ट किया. सो इसे ही कैच समवन्स आई कहेंगे. जब कोई भी वस्तु आंखों से स्पेशली नोटिस हो तो वो कैच समवन्स आई होती है. आप रास्ते पर चलते हुए बहुत चीज़ों को देखते हो बट कुछ चीज़ों पर आपकी आंखें ठहरती हैं. सो बेसिकली ध्यान खींचना, आकर्षित होना या आकर्षित करना ही कैच समवन्स आई idiom का सेंस है. यूज इन अ सेंटेंस देखिए. दैट शाइनी रेड कार एट द शोरूम हैड रियली कॉट माई आई. मीन्स शोरूम में चमचमाती लाल गाड़ी ने मेरा ध्यान खींचा. idiom में कैच है बट सेंटेंस में idiom जब यूज किया गया है तो कॉट है. क्यों? एक्चुअली बहुत सारे idioms में सेंटेंस के समय के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती है. ओके, सो कैच समवन्स आई मीन्स टू गेट समवन्स अटेंशन. नंबर 4, ड्रीम कम ट्रू एंड द मीनिंग इज फुलफिलमेंट ऑफ अ विश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अर्थात किसी इच्छा का बहुत समय बाद पूरा होना. यदि idiom के वर्ड्स को देखें तो मीनिंग क्लियर है. सपने का सच होना. ड्रीम मीन्स सपना एंड कम ट्रू सच होना. लुक एट दिस इमेज. बचपन में ये लड़का एक प्यारे से घर का सपना देखता था. बड़ा होकर उसने अपने सपने का घर बनाया तो ड्रीम कम ट्रू हो गया. सबके सपने अलग अलग होते हैं. सो जिसका जो सपना पूरा हो उसके लिए वही ड्रीम कम ट्रू होगा. जैसे किसी का अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलना ड्रीम कम ट्रू है. किसी का कोई ड्रीम जॉब पाना उसका ड्रीम कम ट्रू है. एटसेट्रा एटसेट्रा. यूज इन अ सेंटेंस देखिए. बाइंग माय ओन हाउस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू. अर्थात अपना घर खरीदना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है. सो ड्रीम कम ट्रू मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ अ विश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नंबर 5, इजी ऑन द आई मीन्स अट्रैक्टिव और प्लीजेंट टू लुक एट. अर्थात आंखों को भला लगने वाला और आकर्षित करने वाला. लुक एट दीज इमेजेस. ये दो पेंटिंग्स हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं. सो इसी प्रकार कोई सीनरी, कोई ड्राइंग और कुछ भी जो देखकर अच्छा लगे तो आप idiom easy on the eye का यूज कर सकते हैं. जैसे यूज इन अ सेंटेंस, वेरी शॉर्ट सेंटेंस. पेंटिंग्स आर easy on the eye. अर्थात पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव है. सो easy on the eye means अट्रैक्टिव और pleasant टू लुक एट, जिसे देखकर आंखों को अच्छा लगे. सो ये थे 5 idioms. Now, time to a little revision. This is match the column. Number 1, add fuel to the fire. 2, ball of fire. 3, catch someone's eye. 4, dream come true. 5, easy on the eye. Middle mein ye related images. And here,
ए फुलफिलमेंट ऑफ अ विश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बी अट्रैक्टिव प्लीजेंट टू लुक एट, सी समवन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्किंग, डी टू गेट समवन्स अटेंशन, एंड ई मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स और मेक समवन फ्यूरियस. सो मैच इट. नंबर वन, एड फ्यूल टू द फायर, थर्ड इमेज फ्रॉम द टॉप, एंड ऑप्शन ई मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स और मेक समवन फ्यूरियस. टू, बॉल ऑफ फायर, फर्स्ट इमेज फ्रॉम द टॉप, एंड ऑप्शन सी समवन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्किंग. थ्री, कैच समवन्स आई, लास्ट इमेज, एंड ऑप्शन इज डी टू गेट समवन्स अटेंशन. ड्रीम कम ट्रू, सेकेंड इमेज फ्रॉम द टॉप, एंड द ऑप्शन इज ए फुलफिलमेंट ऑफ अ विश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट, इजी ऑन द आई, पेंटिंग्स, एंड ऑप्शन बी अट्रैक्टिव प्लीजेंट टू लुक एट. नाउ वी हैव डन हियर. I hope you like this method of learning. Thank you so much for watching. For more lessons, please check other videos. Description mein links mention hai. Screen par playlist bhi hai. Please click on it. And yes, hit like and share buttons. Comment your questions and opinions. And please subscribe Easy and Effective English.